नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत में होने वाली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बड़ी आंत में लंबे समय तक सूजन और जलन की वजह से बड़ी आंत के मलासे में छाले पड़ जाते हैं, जिस कारण हमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण पेट में असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खाने का ठीक प्रकार से न पचना, भूख न लगना, बलगम के साथ खूनी दस्त का लगना जैसे अनेकों डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों कोलाइटिस मन से शरीर में आने वाली बीमारी मानी जाती है। मन में भय, कुंठा, असुरक्षा की भावना, महत्वाकांक्षा, उत्तेजना, मानसिक द्वंद भी इसके होने का मुख्य कारण होते हैं। दोस्तों इसके अलावा लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्दी ईटिंग, स्ट्रेस का होना होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें, यानी कि अपने खान पान पर सुधार करें, योगासन और प्राणायामों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। दोस्तों कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस मॉडर्न लाइफस्टाइल का रोग माना जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे ही बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर के अंगूठे, आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने पैर की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। ऐसे ही इस वज्रासना को आप 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। यह हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। फिर इस वज्रासना के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मंडुकासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और ऐसे मुट्ठियों के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अपने पूरे पेट को अंदर की तरफ पिचका लेते हैं, लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस मंडुकासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से पेट में दर्द, पेट में ऐठन, पेट में सूजन, डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। श्वास को रोक कर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे बालक आसन। ऐसे ही आपने वज्रासना पर ऐसे बैठ जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को या फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं। इस बालक आसन को करने से मानसिक तनाव, अवसाद जैसे समस्त विकार दूर होते हैं। धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों कोलाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए आप ट्विस्टिंग अभ्यासों को भी प्रैक्टिस कीजिए। ट्विस्टिंग अभ्यासों को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन प्रभावित होते हैं और डाइजेशन से जुड़े विकारों को भी दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होते हैं। आप मशेंद्र आसन, अर्ध मशेंद्र आसन जैसे अभ्यासों को भी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें अब हम करेंगे वक्रासना। यह ट्विस्टिंग का सबसे इजी अभ्यास है। इसे करने के लिए ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट लेग को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपोजिट हाथ को, अपने लेफ्ट हाथ को अपनी छाती और जगह के पास से ऐसे ले जाते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद आपने अपने राइट हाथ को ऐसे कमर के पीछे से ले जाते हुए अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक। ऐसे ही इसे होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही स्टाफ पोज में आपने बैठ जाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को
झुक जाते हैं, अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप पश्चिमोत्तानासना को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप निरालंब पश्चिमोत्तानासना को भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे ही सबसे पहले ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की दो उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर इसके बाद अपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठाते हैं। ऐसे इसी स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। अगर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से भी लगा सकते हैं या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से लगाकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए और अपने सिर को ऐसे घुटनों पर लगाते हुए आपके पैर बिल्कुल सीधे पंजे ऐसे तने हुए हों, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को मध्यम गति के साथ और श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और एक्सहेल करते हुए ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आते हैं। इनहेल करते हुए कोबरा पोज की पोजीशन पर आते हैं, एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही से आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली और शीतकारी प्राणायाम को भी 20 से 25 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।